मैं विजय आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल लाइफ स्किल विद विजय में। दोस्तों ये देखिए कितने ही सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। आप तो इस सभी इसके नाम से परिचित होंगे, अगर नहीं परिचित हैं तो मैं आपको बता दे रही हूं, ये है एनुअल क्रिसेंथम का प्लांट जिसे हम मार्गेट भी कहते हैं। दोस्तों ये देखिए इस समय मेरे पास जो है ये दो कलर के हैं, ये एक वाइट कलर का येलो शेड में और एक ये पूरा येलो जो है क्रिसेंथम का प्लांट है। दोस्तों इसकी भी दो वैरायटी होती हैं, आप देख सकते हैं कि ये है सिंगल पेटल में हमारे जो है मार्केट के फ्लावर है। इसके साथ ही साथ आप ये देखिए ये गुच्छों में जो है खिले हुए डबल पेटल के फ्लावर हैं। दोस्तों आप ये देखिए ये पेड़ कितना ही हेल्दी और कितना बड़ा मेरा तैयार हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम आपको बताएंगे कि इस पौधे को हम किस समय लगाते हैं और इसकी क्या केयर होती है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इतना अच्छा हेल्दी प्लांट हमारे गार्डन में तैयार हो। दोस्तों देखिए इसकी ब्राइटनेस के कारण इस समय आप देख सकते हैं ये मधुमक्खियाँ हनी भी कितना ज़्यादा इसमें अट्रैक्ट हुई हैं। ये मेरे इस प्लांट में जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अनगिनत मधुमक्खियाँ इस समय हैं, कम से कम 20 से 25 मधुमक्खियाँ तो है ही हैं। तो दोस्तों आइए चलिए हम बात करते हैं कि इस प्लांट को हम कब अपने गार्डन में लगाएं। तो दोस्तों वैसे तो ये इसे हम अगस्त सितंबर के महीने में लगा दें तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने लगता है। मैंने इस प्लांट को जो है नवंबर के महीने में लगाया है और आप देख सकते हैं कि इस समय ये कितनी ब्लूमिंग हैवी ब्लूमिंग पे है और इसमें अनगिनत बर्ड्स हैं। आप देख सकते हैं एक एक डाल में 5-5, 6-6 बर्ड्स आई हुई हैं और कितना ही ज़्यादा मेरा प्लांट फैला हुआ है। तो दोस्तों अब आते हैं इसे हम कई बैचेस में तैयार कर सकते हैं, थोड़ी सी केयर करें तो ये हमारा काफ़ी समय तक हमारे गार्डन में बना रहेगा। दोस्तों तो अब आते हैं कि जो है इस जो है प्लांट को हम किस तरह की मिट्टी में लगाएं। तो दोस्तों आप जो है इसके लिए जो मिट्टी तैयार करें वो जो है हमें बहुत ही रिच मिट्टी तैयार करना चाहिए, क्योंकि हैवी फ्लावरिंग करने वाला ये जो है प्लांट बहुत हैवी फिटर होता है। आप इसे जो है 10 इंच के गमले से लेकर काफ़ी बड़े पॉट में भी आप 18 से 20 इंच के पॉट में भी लगाइए तो ये बहुत अच्छे से जो है फ्लावरिंग करते हैं। इस समय आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं, मैंने इसे फ्रूट कैरेट में जो है लगाया है। आप देखिए अब मेरे प्लांट की साइज़ और इसकी हेल्थ को देखिए ये कितना अच्छा तैयार हुआ है। मैंने जो हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ कि हम कंटेनर में गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमारी जो है सॉइल बहुत रिच होनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि जो है बहुत ही पोरस हो और जिसमें वेल ड्रेन मिट्टी बनी हो। तो हैवी फिटर है तो इसमें कंपोस्ट की मात्रा हम बहुत अधिक लेते हैं, इसके साथ साथ ही हम समय समय पर इसे फीड करते रहते हैं। जहाँ तक रही पिंचिंग, ये आप प्लांट अपने आप मल्टीपल होता है, इसमें किसी प्रकार की पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख सकते हैं इस प्लांट को मैंने बिल्कुल ही पिंचिंग नहीं की है और कितना हेल्दी मेरा प्लांट तैयार हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन और पोरस मिट्टी तैयार करें, उसमें लगाएं, हमारा प्लांट बहुत ही अच्छा जो है तैयार होगा। इसके बाद आती है धूप। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी जो है फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, इसे दिन भर की धूप ज़रूर चाहिए, क्योंकि इस समय आप जिस जगह मेरे ये रखा हुआ है, लगभग लास्ट ईयर भी मैंने इसी जगह रखा था तो मेरा प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी हेल्थ हुई थी और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग किया था। तो दोस्तों इसे दिन भर की धूप चाहिए। इसके बाद आती है इसकी पानी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो है जब हमारी धूप बहुत कमज़ोर हो तो इसे जो है डेली हम पानी दें। इसके बाद अगर हवा चल रही है, जैसे ये जनवरी और फेब का महीना आ जाता है तो हवा चलती है, धूप बहुत तेज़ होती है, तो इसे हमें दोनों समय जो है पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ अगर धूप में नरमी है तो हम इसकी मिट्टी सॉइल को चेक करके दें, अगर हल्की नमी ना बरकरार है तो हम उस समय ना पानी दें। अगर हमारा ऊपर की 1 इंच तक मिट्टी सूख गई है तो इसे हम डेली पानी दें और दोनों समय दें जो है फरवरी और मार्च के मंथ में। इसके बाद आती है कि इसको फर्टिलाइज हम कैसे करें। तो दोस्तों मैं इसमें सीवीड ग्रैनुअल, जैसे कि मैं अभी अपने सभी पौधों में डालती हूँ,
क्योंकि उससे हमारे पौधों की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। वो मैं 15 दिन से 20 दिन में एक बार जो है मैं डाल देती हूँ। और इसके बाद इसमें जो है सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसमें 15 दिन में एक बार फिट करती हूँ, और कंटिन्यू जो है 15 15 दिन में रूटीन वाइज मैं डालती रहती हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप देख ही सकते हैं रिजल्ट कि मेरा कितना अच्छा ये पौधा तैयार हुआ था। दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर इसे हम कम धूप में रखेंगे, कम धूप में रखने की गलती करेंगे तो ये इतनी अच्छे से नहीं तैयार होगा। और हम इसे अगर थोड़ा बड़ा पॉट देते हैं तो उसमें ये बहुत ही अच्छा बड़ा पेड़ तैयार होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों मैंने जो है एनुअल क्रिस्टेंथम के बारे में आप सभी को जानकारियाँ दे दी जो मुझे मालूम थी। इसके साथ ही अगर हमें कंटिन्यू इसमें लगातार फ्लावरिंग लेनी है तो एक बात का ध्यान रखना है कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं जैसे ये स्टेम फ्लावर हैं, इन्हें हमेशा कट करके निकालते रहना चाहिए। दोस्तों इस समय जो है मेरे प्लांट जो है कैची नहीं है, इन्हें मुझे निकालने की ज़रूरत है। तो जैसे ही हमारे फ्लावर स्पेंड हो इन्हें जो ना हमें हटाते रहना चाहिए, क्योंकि एक बात तो ये भी है कि अगर जो है ये ऐसे ही पड़े रहेंगे तो इसमें सीड पॉट ग्रो होंगे, उसका इफेक्ट ये होगा कि हमारे जो है प्लांट में नई नई बर्ड्स नहीं तैयार होंगी और पूरी एनर्जी पेड़ की यही तैयार करते हैं। क्योंकि किसी भी जो है पौधे में जो सीड पॉट जब डेवलप होता है तो वो बहुत सारी एनर्जी लेता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्लांट में कोई भी कैसा भी पेस्ट अटैक नहीं होता है, बहुत ही इजी तरीके से लो मेंटेनेंस प्लांट है दोस्तों। अगर ना इसी में इसमें किसी प्रकार के माइट्स का इफेक्ट होता है, ना फंगस का इफेक्ट होता है, कुछ भी नहीं होता, बहुत ही आसानी से हमारे गार्डन में ग्रो हो जाता है। सिर्फ मिट्टी और पानी धूप, ये तीनों रिक्वायरमेंट इसे सही से मिलती रहें तो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही हेल्दी हमारे गार्डन में ग्रो होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम करते हैं वीडियो को समाप्त। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा जो है दी गई ये जानकारी एनुअल क्रिस्टेंथम के बारे में कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियोस आपके अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाय बाय।